अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद साजिद इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारे पास ये एक डीसी वेल्डिंग प्लांट आया है, डीसी इन्वर्टर भी इसको कहते हैं। ये इसका मॉडल नंबर है, ये हाफ साइज़ है, छोटा वेल्डिंग प्लांट है। और हमको जो इसका फॉल्ट मिला है वो इसमें ये दो लगे हुए हैं, इसे FAT भी कहते हैं, ADBD भी इसे कहते हैं। ये दो हमने निकाले हैं, एक फटा हुआ है और ये इस दूसरे को भी हम चेक करेंगे मीटर से। मीटर का पॉजिटिव पार्ट आपने सेंटर वाले पॉइंट पे लगाना है। ये देखो, ये शॉर्ट बता रहा है। मैं आपको चेक कराता हूँ नंबर इसका। इसमें हम ये वाले दो लगाएंगे, ये भी आपको चेक कराते हैं। ये दो हमारे FAT बिल्कुल ओके हैं। अब हमने FAT लगाने से पहले इनके ड्राइवर वोल्टेज चेक करने होते हैं। अगर दोनों FAT पे वोल्टेज आएंगे तो हमारे FAT ऑन हो जाएंगे। अगर एक FAT पे वोल्टेज आएंगे तो फिर FAT हमारे ऑन नहीं होंगे, एक FAT चलेगा और जब हम इस पे लोड पाएंगे वो भी फट जाएगा। यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करने होते हैं साइड वाले पॉइंट पे। हम इसको पावर दे के आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। ये 5 वाट वाला बल्ब है, ये लगा के हम वोल्टेज आपको चेक कराएंगे। सबसे पहले इसको पावर देते हैं। ये देखो दोस्तों, हमारी वेल्डिंग का ये मीटर ऑन हो चुका है, पावर हमने इसको दे दिया है। अब FAT के ड्राइवर वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखो दोस्तों, इस FAT पे हमारा बल्ब जलता है। अब हम दूसरे पे चेक करेंगे। ये देखो, इस पे बल्ब हमारा नहीं जलता। इसका मकसद है कि एक साइड में कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से एक साइड पे हमारे ड्राइवर वोल्टेज आ रहे हैं, एक साइड पे नहीं आए। इसी साइड पे हमारा बल्ब नहीं जलता था, इसका मकसद है कि इसी साइड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर वोल्टेज नहीं बन रहे। ये डायोड भी लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये ऊपर से फटी हुई लगती है। हम इसको बाहर निकाल के देखेंगे और आपको चेक कराते हैं ये रेजिस्टेंस नहीं लगा के। ये रेजिस्टेंस हमने निकाल दी है, ये यहाँ पे लगी हुई थी डायोड के साथ, ये फटी हुई है, इसकी कुछ भी वैल्यू शो नहीं होती। ये हमारे पास LED का बोर्ड है, इससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये वाली है, ये इसी पे लगाएंगे और लगा के आपको चेक कराते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमने ये वाली रेजिस्टेंस भी इसकी नहीं लगा दी है, ये भी इसकी डी वैल्यू हो चुकी थी। और दूसरी ये रेजिस्टेंस, ये भी वैल्यू नहीं बता रही थी, ये भी हमने नहीं लगा दी है। अब इसकी ये रेजिस्टेंस भी हमने नहीं लगा दी है, 15 ओम्स में है। ये दो ये रेजिस्टेंस लगाइए, एक ये, तीन रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा दी है।
अब इसको पावर दे के आपको इसके ड्राइवर वोल्टेज चेक कराते हैं। पहले हमारी एक साइड पे वोल्टेज शो हो रहे थे, एक साइड पे नहीं आ रहे थे। ये देखो दोस्तों, अब इस साइड पे भी वोल्टेज बता रहे हैं, हमारा बल्ब जल चुका है, और दूसरी साइड पे भी बताएंगे। अब ये देखो दोस्तों, अब हमारी दोनों साइडें ओके हो चुकी है। अब हम इसमें FAT लगा सकते हैं, और FAT लगा के भी आपको चेक कराएंगे इसके आउटपुट के वोल्टेज। हाँ जी दोस्तों, हमने इसमें FAT लगा दिए हैं। तो देखो दोस्तों, अब हमारा वेल्डिंग प्लाट बिल्कुल ओके हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।